अंतरिक्ष में चीन को टक्कर देने और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भारत ने तैयारी पूरी कर ली है। भारत ने मार्च में एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और हाल ही में ट्राई सर्विस डिफेंस स्पेस एजेंसी की शुरुआत भी की है। अब अगले महीने भारत पहली बार अंतरिक्ष युद्धाभ्यास करने की योजना बना रहा है। इसका नाम इंड स्पेस एक्स दिया गया है। यह अभ्यास मूल रूप से एक टेबल टॉप वॉर गेम पर आधारित होगा जिसमें सैन्य और वैज्ञानिक समुदाय के लोग हिस्सा लेंगे, लेकिन यह उस गंभीरता को रेखांकित करता है जिसके साथ भारत चीन जैसे देशों से अपनी अंतरिक्ष संपत्ति पर संभावित खतरों का मुकाबला करने की आवश्यकता पर विचार कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी इस बारे में कहते हैं कि अंतरिक्ष का सैन्यकरण हो रहा है, साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा भी। रक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने वाले अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारत द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अंतरिक्ष और काउंटर स्पेस क्षमताओं का आकलन करना है। इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का आकलन भी होगा। भारत को स्पेस में विरोधियों पर निगरानी, संचार, मिसाइल की पूर्व चेतावनी और सटीक टारगेट लगाने जैसी चीजों की आवश्यकता है। इससे हमारे सशस्त्र बल की विश्वसनीयता बढ़ेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। ऐसे में इंड स्पेस एक्स हमें अंतरिक्ष में रणनीतिक चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा जिन्हें संभालने की हमें आवश्यकता है। चीन ने जनवरी 2007 में एक मौसम उपग्रह के खिलाफ ASAT मिसाइल का परीक्षण करने के बाद दोनों गतिज प्रत्यक्ष चढ़ाई मिसाइलों, सहकक्षीय मार उपग्रहों के साथ साथ गैर गतिज के रूप में अंतरिक्ष में सैन्य क्षमताओं को विकसित किया है। दूसरी ओर चीन ने अंतरिक्ष में अमेरिका के वर्चस्व को खतरे में डालने वाले अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को 3 दिन पहले ही लॉन्च किया है। भारत लंबे समय से स्थायी और मजबूती से अंतरिक्ष कार्यक्रमों को अंजाम दे रहा है। इसके बावजूद वह चीन जिसने संचार, नेविगेशन, पृथ्वी अवलोकन और अन्य उपग्रहों से मिलकर 100 से अधिक अंतरिक्ष यान मिशन को अंजाम दिया है कि बराबरी नहीं कर पाया है। भारतीय सशस्त्र बल अब भी 2 सैन्य उपग्रहों के अलावा निगरानी, नेविगेशन और संचार उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर दोहरे उपयोग वाले रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग करते हैं। उल्लेखनीय है कि देश में तब मिशन शक्ति के तहत एक विश्वसनीय काउंटर स्पेस क्षमता विकसित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया जब उसने कम वजन वाली पृथ्वी की कक्षा में 283 किलोमीटर की ऊंचाई पर 740 किलोग्राम की माइक्रोसेट R उपग्रह को नष्ट करने के लिए 19 टन की इंटरसेप्टर मिसाइल 27 मार्च को लॉन्च की। भारत अपने काउंटर स्पेस क्षमताओं को विकसित करने के लिए काम कर रहा है जिससे इलेक्ट्रॉनिक हमलों से अपने उपग्रहों की रक्षा कर सके। उसके बाद नई डिफेंस स्पेस एजेंसी ने रक्षा इमरजेंसी प्रसंस्करण और विश्लेषण केंद्र और डिफेंस सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर को समाहित करने के लिए आकार लेना शुरू कर दिया है जिसके 2 प्रमुख IAF जनरल जल्द नियुक्त किए जाएंगे।